हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तंशकर्षी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं गाना जी की एक और बहुत प्यारी सी ड्रेस का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूं। फ्रेंड्स, ये मैं वूल में ही बना रही हूं। आप कॉटन थ्रेड में या मोली में या जो भी आप थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 2-ply का वूल लिया है, इसको मैं डबल करके यूज़ कर रही हूं। और ये देखिए, चोली मैंने बना ली है। फ्रेंड्स, काफ़ी मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आप चोली बना के नहीं दिखाते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से मैं चोली बना के दिखाऊंगी आपको तो काफ़ी टाइम जाएगा और वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए ये मैंने 0 से लेके 8 नंबर तक कान्हा जी की चोली की सभी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप वहाँ से सभी चोली की वीडियोस देखकर किसी भी साइज़ की चोली इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम पहले चोली बना लेंगे, जिस भी साइज़ के लिए आप ड्रेस बना रहे हैं चोली बना लें इस तरह से। फिर हम यहाँ से घेरा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने चोली बनाने के बाद ये मैं 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो ये मैंने सबसे छोटे कान्हा जी की चोली बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से मैंने सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। तो ये हमारा यहाँ से घेरे का फर्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट होता है इस तरह से। तो ये सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशे बना लें जो भी साइज़ की चोली बना रहे हैं उसके बाद। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम वो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 1 राउंड जब घेरे का हम बना लेंगे तो ये कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बैक साइड पर मैंने चेन से स्टार्ट किया है। तो इस तरह से देखिए, 1 चेन ये लेंगे और फिर हम सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा थ्रेड है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं हमारा थ्रेड। अब यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे। तो ये हमारा एज ए 1 डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो ये हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हम यहाँ पे फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, हमने 3 टाइम्स इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पे चेन लेंगे, 1 चेन ली हमने, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 3। इसी तरह से ये हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर हम 1 चेन लेंगे। यानी कि 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 चेन का गैप लेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, फिर 1 चेन। तो इसी तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड बनेगा। तो ये हम फर्स्ट राउंड अपना घेरे का यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि 3 डबल क्रोशिया जब हम बनाएंगे तो बीच में हमें 1 चेन का गैप देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, हर 3 डबल क्रोशिया के बाद मैंने 1 चेन का गैप लिया है और ये लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बना के 1 चेन लेके हम फर्स्ट जो डबल क्रोशिया था उसके साथ जॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। अब यहीं से हम देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारा 3rd डबल क्रोशिया है यहाँ पे, अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 के हमने 4 कर दिए। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे अब हम यहाँ पे। और फिर से देखिए, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया पे जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया पे जाएंगे, फिर 1 बनाया, फिर जो नेक्स्ट है उस पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए 1 और ये 2, तो ये 3 के हमने 4 कर दिए। ये देखिए, 1, 2, 3 थे, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो 3rd हमारा डबल क्रोशिया होगा चेन से पहले उस पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर से हम 2 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट फिर से सेम यही रहेगा हमारा प्रोसीजर। तो ये राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 2 डबल क्रोशिया पे 1, 1 डबल क्रोशिया और जो सेकेंड लास्ट जो हमारा 3rd डबल क्रोशिया आएगा उस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम 2 चेन ले लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा राउंड, देखिए ये हमारा बीच में इस तरह से चेन गैप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से राउंड बनेगा। तो चलिए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड भी कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम देखिए, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगाया है 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट में,
तो ये 3 times 1 1 डबल क्रोशिया बनाए हमने, और जो हमारा 4th डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो इसी तरह बनेगा। पहले हमने 3 के ऊपर 4 बनाए, 4 के ऊपर अब 5 बनाए, और फिर से हम चेन ले लेंगे, 1 2 2 चेन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फिर से 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, और जो 4th है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से 2 चेन। तो ये देखिए इस तरह से अब ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब हम जितना घेरा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जितनी लंबी आप ड्रेस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप घेरा बना लें। अब ये हमने 5 बना लिए, इसी के ऊपर नेक्स्ट में 6 बना लेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, जितना भी आपको लंबा घेरा बनाना है। बहुत सिंपल है, इसी तरह से हमें पहले जो डबल क्रोशे आएंगे उन पर 1 1 बनाना है, जो लास्ट वाला आएगा उस पर हमें 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये अपना घेरा कंप्लीट कर लेते हैं। जितना मुझे अपनी ड्रेस के लिए चाहिए उतना मैं बना लूँगी, जितना आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग घेरा बनाना है उतना घेरा आप बना सकते हैं। चलिए पहले अपना घेरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट जो हमारा किनारी बनेगी वो बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने अपना इतना घेरा बना लिया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया वाला मैंने घेरा बनाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपका यहाँ पे घेरा बनाने में टाइट आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे चेन बढ़ा सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा हाथ लूज़ होता है, हम टाइट हाथ से भी बनाते हैं लूज़ हाथ से भी बनाते हैं, तो सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो आप यहाँ पे चेन्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए मैंने लास्ट में 3 चेन्स ली हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा काफ़ी जो राउंड था वो टाइट हो रहा था, तो इसलिए मैंने 3 चेन ले ली। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट हमारा देखिए जितना भी घेरा आपको बनाना है इसके बाद जो हमारा लास्ट राउंड आएगा उसमें हम इस तरह से पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड में हम फर्स्ट और लास्ट दोनों में 1 1 डबल क्रोशिया जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बाकी सभी में हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाया है। फर्स्ट में हमने 2 बना लिए, फिर सभी में 1 1 डबल क्रोशिया, और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें 2 बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो हमारा ये देखिए घेरे का लास्ट राउंड जो भी बनाएंगे आप उसमें हमें इस तरह से करना है। तो ये हम 2 इंक्रीज करेंगे इसमें, यानी कि जो लास्ट हम राउंड बनाएंगे घेरे के बाद वाला उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। पहले हम 1 1 बढ़ा रहे थे, अब हम दोनों तरफ 1 1 बढ़ाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर से हम 3 चेन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखिए डबल क्रोशिया पे जाएंगे, 1 और यहाँ पे फिर से 1। तो ये फर्स्ट में 2 बना लिए, अब बाकी सभी में 1 1 और लास्ट में 2 जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला राउंड हमारा इसी तरह बनेगा। 7th है तो ये अब देखिए इस राउंड में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डबल क्रोशिया आ गए। 7 के बाद सीधा हमने 9 कर लिए क्योंकि हमने दोनों तरफ 1 1 इंक्रीज़ कर लिया, यानी कि दोनों तरफ 1 1 डबल क्रोशिया बढ़ा लिया। तो ये राउंड हमारा लास्ट होगा घेरे का, इसके बाद हम अपना किनारी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए राउंड फ्रेंड्स एक बार हम ये वाला राउंड अपना पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा राउंड कम्प्लीट हो चुका है, अब हम अपने किनारी वाले राउंड्स बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए सेम जो हमने सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच जो लगाया जॉइंट किया वहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया लिए, अब यहाँ पर हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे, 1 2 3 ये देखिए 3 चेन स्किप करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे और ये 4 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे बना लिए, फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे
फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हमारा वन सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में वन, फिर नेक्स्ट में वन, फिर नेक्स्ट में, तो फोर सिंगल क्रोशे हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव चेन, थ्री चेन स्किप होंगे, वन टू थ्री, फिर से देखिए वन सिंगल क्रोशे। जो चेन है ये भी हमें काउंट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे चेन्स जो हमने ली हैं उन्हें हम स्किप कर देंगे, जो हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे अपना। तो ये देखिए फोर सिंगल क्रोशे अलग अलग बना लिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे चेन्स के लूप बनेंगे। फोर सिंगल क्रोशे, फिर थ्री चेन नीचे से स्किप होंगी, फिर फाइव चेन, फिर फोर सिंगल क्रोशे, फिर थ्री चेन स्किप होंगी, फिर फाइव चेन। तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा, क्योंकि जो हमारी किनारी बनेगी वो इसी में बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स ये वाला राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेते हैं अपना। अब ये देखिए स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब ये हमारे पास जो फोर डबल सिंगल क्रोशे हैं इस पर हमें थ्री बनाने हैं। तो ये देखिए वन टू एंड थ्री, थ्री सिंगल क्रोशे बना लिए, फोर पे हमने थ्री बना लिए, वन कम कर दिया। अब ये देखिए जो हमारे पास चेन्स लूप है यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ये देखिए इस तरह से हमने एट डबल क्रोशे बना लिए। और फिर से जो हमारे सिंगल क्रोशे हैं ये देखिए वन स्किप करेंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, फिर से नेक्स्ट चेन लूप में जाएंगे, फिर से हम एट डबल क्रोशे बना लेंगे, सेवन और ये एट। बीच में हमें कोई चेन वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। अब इसके बाद फिर से देखिए वन जो सिंगल क्रोशे है वो स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, फिर बीच वाले में सेकंड, फिर लास्ट वाले में थर्ड। तो ये थ्री सिंगल क्रोशे बीच में हमें इस तरह से बनाने हैं, और सभी के बीच में देखिए हमें इस तरह से ये एट एट डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये राउंड हम ऐसे कंप्लीट कर, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा राउंड ऐसे जो मैंने आपको बताया था ये कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह से लास्ट जो मैंने किनारी बनाई है, देखिए बहुत प्यारी हमारी किनारी लग रही है। और ये देखिए क्रीम और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है इससे देखिए हमारी ड्रेस कितनी प्यारी बनकर तैयार होगी। तो ये मैं आपको अभी बताऊँगी ये किनारी मैंने कैसे बनाई है। उससे पहले फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने चोली के ऊपर किनारी बना ली, और ये देखिए इस तरह से ये मैंने डोरी लगाई है। अगर आप चाहें तो इस तरह से ये डोरी बना के लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये डोरी बनाई है मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ ये जो किनारी है मैंने ये कैसे बनाई है। फ्रेंड्स जो किनारी बनाने के लिए जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो देखिए वो कहाँ से होगी, ये मैंने इतनी बना ली है, लेकिन जो आपको स्टार्ट करना है मैं वो बता रही हूँ आप कहाँ से स्टार्ट करें। ये देखिए ये जो हमने एट डबल क्रोशे लिए थे इसका वन टू, जो हमारा सेकंड डबल क्रोशे है सेकंड और थर्ड इसके बीच में हम इस तरह से थ्रेड लगाएंगे, और ये हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये दोबारा से देखिए एक बार जो हमें स्टार्टिंग करनी है, देखिए एट जो हमारे डबल क्रोशे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये वन डबल क्रोशे, ये सेकंड डबल क्रोशे, जो सेकंड और थर्ड डबल क्रोशे है इसके बीच में से हमें थ्रेड लेना है, और वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। सिंगल क्रोशे बना लिया, अब देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच में जाएंगे, ये हमें चेन पे वर्क नहीं करना है, डबल क्रोशे के बीच में वर्क करना है। ये देखिए इस तरह से ये नेक्स्ट डबल क्रोशे जो हैं उनके बीच में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम वन टू थ्री चेन लेंगे, और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लूप हमें दिखाई दे रहा है इसमें से हम निकालते हुए सिंगल क्रोशे लगा लेंगे, तो ये हमारा पिकोट स्टिच बन जाएगा। और फिर से देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री चेन लेंगे,
और फिर से देखिए जो लूप दिखाई दे रहा है इसमें से निकालते हुए हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच में जाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशे लगाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन का इस तरह से पिकोट स्टिच बना लेंगे। एक बार फिर से हम इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच में आए, सिंगल क्रोशे बनाया, 3 चेन ली और ये पिकोट स्टिच बना लिया यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा स्टार्टिंग होगी। सेकंड और थर्ड डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशे, फिर 4 टाइम्स इस तरह से सिंगल क्रोशे और 3 चेन लेके पिकोट स्टिच, और फिर जो लास्ट डबल क्रोशे हैं देखिए इसके बीच में अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशे बनाया, लास्ट में भी हमने सिंगल क्रोशे बनाया और बीच में 4 टाइम्स हमारे ये पिकोट स्टिच का डिज़ाइन आ गया। अब फ्रेंड्स हम डबल क्रोशे के लिए 1 टाइम थ्रेड लेते हैं। अब हमें यहाँ ट्रिपल क्रोशे बनाना है तो उसके लिए हम 2 टाइम थ्रेड लेंगे। ये क्रोशिया पे देखिए मैंने ये 2 टाइम थ्रेड ले लिया, ये डबल क्रोशे के लिए और ये ट्रिपल क्रोशे के लिए, 2 टाइम्स हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये देखिए, ये जो हमने जब हमने ये लूप लिया तो हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाए थे, 1 2 3 4। तो जो पहला सिंगल क्रोशे है जो 3 है वो स्किप करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। जो उससे नीचे वाली लाइन है उसमें हमने जो सिंगल क्रोशे लिए थे, 4 सिंगल क्रोशे थे ना, 1 2 3 4, तो फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशे है इसके बीच में से ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशे है, तो इसके नीचे से हमने क्रोशिया ले लिया। तो इस तरह से अब हम जैसे हम डबल क्रोशे के लिए बनाते हैं 2 2 लूप्स लेंगे, उसी तरह से अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे के लिए डिज़ाइन बना लेंगे। अभी हमारे पास ऊपर की तरफ 2 लूप बच गए, एक बार फिर से हम इसी तरह 2 बार थ्रेड लेंगे क्रोशिया के ऊपर। अब जो नेक्स्ट ये देखिए 1 डबल क्रोशे पे बना लिया, सेकंड थर्ड स्किप करेंगे, फोर्थ डबल क्रोशे के नीचे से क्रोशिया लेंगे और फिर से हम देखिए इसी तरह से 2 2 लूप लेते हुए ये अपना स्टिच बनाएंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स आ गए, अब तीनों में से एक बार निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह का ये हमारा वी का डिज़ाइन बनेगा। देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बना है, बहुत सुंदर लगेगा, आप ट्राई ज़रूर करें। बहुत सिंपल है, एक बार बनाएंगे इजीली बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमारे 8 डबल क्रोशे आ गए, तो जो स्टार्टिंग थी वही हमें प्रोसीजर करना है। 1 डबल क्रोशे स्किप करेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच में अब हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 सिंगल क्रोशे बन गया, अब नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच में जाएंगे, सिंगल क्रोशे, 3 चेन और ये देखिए फर्स्ट लूप में से निकालते हुए पिकोट स्टिच बना लेंगे। अब ये हमें यहाँ पे सेम जैसे पहले किया था हमने 4 टाइम इसी तरह से बनाना है। ये देखिए ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारा लास्ट फोर्थ टाइम सिंगल क्रोशे और 3 चेन का पिकोट स्टिच, ये इस तरह से। और लास्ट में फिर से हमें क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशे लेना है जैसे हमने पहले सिंगल क्रोशे लिया था, तो दोनों तरफ अब हमें 1 1 सिंगल क्रोशे लेना है। बीच में हमारे ये 4 टाइम्स इस तरह से पिकोट स्टिच आ गया। और फिर से हमें ये वाला स्टिच बनाना है, एक बार मैं फिर से बना के बता देती हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, ईजीली आप बना पाएँ। अब ये देखिए 1 टाइम थ्रेड लिया, सेकंड टाइम थ्रेड लिया, 2 टाइम इस तरह थ्रेड लेंगे और जो नीचे की तरफ देखिए 4 सिंगल क्रोशे हैं, ये आपको अलग से दिखाई देंगे। जो लूप लिए थे उससे उसके साथ जो हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाए थे वहाँ पे वर्क करेंगे अब हम। तो ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशे के नीचे से इस तरह थ्रेड लाएंगे ये इस तरह से, और ये 1 लूप में से निकाला और ये सेकेंड लूप में से निकाला। अब ऊपर हमारे पास 2 लूप बच गए, फिर से हम क्रोशिया के ऊपर 2 बार थ्रेड लेंगे। अब फोर्थ जो सिंगल क्रोशे है 1 2 स्किप करेंगे, फोर्थ वाले के नीचे से क्रोशिया लिया, फिर से हमने इस तरह से 1 टाइम निकाला, 2 टाइम निकाला और ये देखिए 3 लूप्स आ गए। अब तीनों में से हम एक ही बार लूप निकाल लेंगे। तो ये हमारा फिर से देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा बन गया, बहुत सिंपल है, ईजी है, आप एक बार बनाएंगे आपको ज़रूर समझ आ जाएगा और बहुत अच्छा आप भी बना पाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट स्किप करेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल क्रोशे बना लेंगे,
तो ये फ्रेंड्स इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे। ये मैंने आपको दो बार बना के दिखा दिया। तो चलिए एक बार ये हम अपनी किनारी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी ड्रेस का फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं जो हमने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है उससे देखिए हमारी ड्रेस कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है लेकिन देखने में देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। हमारा डिज़ाइन सिंपल है, इजी है, आप इजीली वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ज़रूर ये डिज़ाइन बना लेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी प्लीज़ ज़रूर बताएँ आपको ये ड्रेस कैसी लगी। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर कान्हा जी की और भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो मैंने ट्राई की हैं, बहुत सुंदर बनी हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।